पुरेसरार अंधेरी रात, खौफनाक खूनी वारदात। उसने जमीन खोदकर अपने दोस्त निशान को उस वक्त दबा दिया। क्यों नौजवान की लाश को तीन कब्रों में मुंतकिल किया गया। लाश पटौन वाला गुजर ते करो खड़न वाला शाहद। रात के अंधेरे में डेरे पर सजी महफिल कैसे भयानक रूप इख्तियार कर गई। पछाणी नहीं, लाश नहीं पछाणी जाती सी। शेखुपुरा के खानदान पर वो कयामत टूटी के दिल दहल गए। ओदे सिर दे विच किदे कईयां मार छड़ियां, ओदियां अखां बाहर आ गईयां। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुकर्रम कलीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनकशाफ। व्यूअर्स, जब हम कोई ख़बर पढ़ते हैं जिसमें हमें पता चलता है कि बरसरे रोज़गार इंसान अपनी जान से चला गया है, तो यकीन मानिए कि वहाँ पर वो एक इंसान अपनी जान से नहीं जाता बल्कि एक पूरी फैमिली की लाइफ लाइन ख़त्म हो जाती है। मेरे हाथ में इस वक्त तस्वीर है दिशान की। दिशान के साथ क्या हुआ, आज उसके वालिदैन, उसकी बहनें और उसके भाई किस तरह से उसके लिए तड़प रहे हैं, आप ये कहानी सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। ऐसा दर्दनाक और भयानक वाकया है कि जिसने सुना कानों को हाथ लगा लिया। ऐसे में कैसे ना कोहराम मचता इस घर में। धाड़े मार कर रोते वुरसा को ये गम अंदर ही अंदर खाए जा रहा है कि आखिर किस जुर्म की पादाश में उनके लखते जिगर को उतारा गया मौत के घाट। वो रात इस कदर पुरसरार क्यों हो गई? जिशान का खून किसने किया और फिर ऐसा क्या हुआ कि जिशान की लाश को बारी बारी तीन कब्रों में दफनाना पड़ा। पुलिस भी तफ्तीश के दौरान कैसे चौंक उठी। खुद को पुलिस रजाकार कहने वाले की असलियत क्या है? दोस्तों के साथ जाने वाला नौजवान मोबाइल क्यों घर छोड़ गया? क्या जिशान को इंतहाई चालाकी के साथ जाल में फंसाया गया? कत्ल की वजह की खोज लगाते हुए पुलिस भी क्यों उलझ कर रह गई? यही हकायक जानने टीम इनकशाफ लाहौर से पहुंची शेखुपुरा मकतूल जिशान के घर। वालेकुम सलाम। माँ जी, कितने बच्चे हैं आपके? दो बेटे या तीन बेटियां। जिशान का कौन सा नंबर था? दूसरे नंबर से। जिशान पढ़ता था, क्या करता था? ये 8 पढ़ के फैक्ट्री काम करता था। फैक्ट्री में काम करने वाला जिशान कम उम्री में ही भारी जिम्मेदारियां उठाए हुए था अपने कंधों पर। यूँ समझिए कि घर का पहिया उसकी वजह से ही चल रहा था। मेहनत करता था, अपनी बहन की शादी की थी, उस तो बाद फिर इन्हें आ जगह लई, सड़क को जगह नहीं सी है, उन्नी की जगह सी, जगह लेके फिर इन्हें शादी करने का हले है सी, हले शादी नहीं कहता, हले से जगह दे पैसे देने। किसी के वहमो गुमान में भी ना था कि जिशान इन सब को यूं रोता तड़पता छोड़ जाएगा, ऐन जवानी में मौत को गले लगाएगा। सब गुजारिश है, सानू इंसान मिलना चाहिए, जो जो साडे भाई ना होया उस तरह इस इंसान ना होनी चाहिए, सर-ए-आम फांसी होनी चाहिए। जिदा भाई साडे दी बुरी हालत सी ओदा इहदी हालत होनी चाहिए बस। भाई मान होते हैं बहनों का, ऐसे में भाई के बिछड़ जाने पर बहन की आंखें कैसे ना छलकें। आकाश जिशान की शाहिद के साथ दोस्ती कभी ना होती। मज यही रूटीन थी कि वो जब घर आता था दोस्तों के साथ चला जाता था, या उस दिन कोई स्पेशल दोस्त आए थे? नहीं नहीं, यह मुंडा सी ना 15 दिन पहले देखा, उस तो बाद ना कभी अगे वेख्या ना कभी पिछे देखा। 15 दिन पहले आया, शान ने गान गा के पानी तानी पियाया, पानी पिला के फिर वापस चले गया। ये जो नया दोस्त बना, ये कहाँ का बना? ये 15 दिन पहले। 15 दिन पहले एक नए लड़के से दोस्ती होती। हाँ जी। क्या वाकई जिशान की शाहिद नामी इस शख्स से 15 दिन पहले दोस्ती हुई, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सलाम दुआ बहुत पुरानी थी लेकिन वुरसा को खबर न थी, और जब खबर हुई तब तक कयामत टूट चुकी थी। मैं इस वक्त थाना भिखी शेखुपुरा में मौजूद हूँ और मेरे साथ मरकजी मुलजिम है शाहिद, इससे बात करते हैं। क्या उम्र है तुम्हारी? 27 साल। पुलिस में कब से रजाकार हो? 10-12 दिन। ट्रेनिंग हुई थी तुम्हारी? नहीं। फिर कुछ भी नहीं था, तो वर्दी पहन के असला लगा के वैसे ही घूमते थे इलाके में? असला होता नहीं है, वैसे वर्दी होती। क्या एजुकेशन क्या है तुम्हारी? कुछ भी नहीं। रिहायशी किस गांव के हो? शेखपुरा के। और भिखी में आना जाना कैसे था तुम्हारा? वैसे खाला रहती थी इधर। जिशान को कैसे जानते हो? वो दोस्त था मेरे साथ, एक मिल में काम करते रहते इधर हम लोग काफी। पहले की बात है ये? मेरी शादी से पहले की बात है। शादी कब हुई तुम्हारी? शादी 14 में हुई थी। तुम्हारा साथ था उसका, यानी तुम लोग साथ काम करते थे?
काम करते थे, फिर मेरी शादी होगी, फिर मैंने हाँ मेरी शादी पे गया था, हमने फिर छोड़ दिया था यहाँ पे। खुद को पुलिस रजाकार कहने वाला ये बहरूपिया इंतहाई शातिर और मक्कार इंसान है। ये ड्रामेबाज शख्स किस हद तक मुलविस है इस खूनी वारदात में, उस रोज डेरे पर क्या हुआ, सब बातें जानता है ये बहरूपिया। टीम इंकशाफ के सामने इस जल्लाद ने किए क्या क्या इंकशाफात, ये सब दिखाएंगे आपको। लेकिन पहले जानते हैं कि जीशान अपने घर से गायब कैसे हुआ। तो दरवाजा बजाया, आपने दरवाजा खोला? हाँ जी, मैं दरवाजा खोला। बाजी शान भेजो, मैं शान भेजा, शान नाल चले गया, उठे खलोते बाजार चौथे उन्हें पानी शानी पिलाया ते उस तो बाद लै गया। क्या गली में कोई ऐसी बात हुई जिसका अंजाम इंतहाई भयानक हुआ? घर के बाहर गली में खड़े दोस्तों के बीच होने वाली इस गुफ्तगु को क्या किसी और ने भी सुना? मैं घर से निकला हूँ नमाज के लिए, तो मैं इधर बैठ गया हूँ आकर, ठीक है ना। ये शाहद वो वर्दी में था, उस यूनिफॉर्म पहनी उसी पुलिस की, मोटरसाइकिल पर बैठा था, तो मेरे साथ दो तीन लड़के और भी इधर बैठे थे। वो कह रहा ईशान, कहने लगा यार ये मेरा दोस्त है, ये कह रहा है मुझे बोतल पिलाओ। मैंने इसको पहले पिला दी है, अब ये फिर कह रहा है। मैंने कहा पिला दो, मेहमान है आपका। यानी आप ये कह रहे हैं कि जैसे दोस्तों में नोक झोंक होती है, मजाक हो रहा होता है, वो हो रहा था, कोई सीरियस बात नहीं हो रही थी? सीरियस बात नहीं थी कोई भी। यानी आप ये कह रहे हैं कि जीशान जब शाहिद को बाइक पे बिठाकर यहाँ पर आया है, हाँ जी, तो आप लोगों से इंट्रोड्यूस करवाया? वो मोटरसाइकिल पे अकेला था बैठा, ये साथ खड़ा था उसके। मोटरसाइकिल पे बैठा हुआ कौन बैठा? शाहिद था बैठा। शाहिद का नाम भी मुझे बाद में पता चला कि ये शाहिद है। यानी पुलिस यूनिफॉर्म में, हाँ जी, जो है बाइक पर बैठा हुआ था, हाँ जी, और जीशान जो है वो साथ खड़ा। हाँ जी, जीशान खड़ा था। जीशान ने आपसे तारुफ करवाया? तारुफ करवाया, ये मेरा दोस्त है, नाम नहीं बताया, ये पुलिस में है। मैंने कहा कहाँ है ये? बिखी थाने में। बस यही वो आखिरी मौका था जब जीशान को हंसते खेलते देखा गया, क्योंकि उसके बाद वो जिस हाल में मिला वो वुरसा को जीते जी मार गया। मामला इस नहज तक कैसे पहुंचा? उस रोज ये पुलिस रजाकार जीशान को कहां ले गया? क्या वाकई जीशान उसी के साथ गया या दरपर्दा कहानी कुछ और है? तो क्या पहले ऐसा होता था कि वो रात को ऐसे चला जाता था? नहीं, कदी मेरा बच्चा एक घंटा गैप नहीं सोया। इन्हों के अबू उत्थे लाहौर काम करते, मैं घर कली सा, मेरिया बच्चिया सी, मैं इतने घूमती रही हूँ, मैं किसी ने नहीं दसिया, बाहर नहीं निकली ना मैं किसी ने दसिया। जो वाले साहब थे वो भी घर पे नहीं थे? नहीं नहीं, उस लाहौर आप अकेली थी? अकेली थी मैं, सा मेरिया बच्चिया। वो रात वुरसा पर बहुत भारी थी। उस रात जीशान के साथ डेरे पर जो कुछ हुआ, वुरसा इस बात से मुकम्मल तौर पर बेखबर थे। मेरी माँ बहुत रो रही थी, वो अकेला मारे घर का मारे, तो अलावा साड़ा कोई आसरा नहीं। मेरा प्यो मुंडा आसरा, वो मेरा भाई सा, तो अलावा साड़ा कोई आसरा नहीं है। असि उस दिन भुगाना मरते पे हैं। वक्त बड़ी तेजी के साथ गुजर रहा था। जीशान की गुमशुदगी की खबर पर रिश्तेदार तक पहुंच गए, सब अपने तई कोशिश कर रहे थे। आपका बेटा जो है वो इस तरह से पूरी रात गायब है घर से, हाँ, गुमशुदा हो गया, घर नहीं पहुंचा, तो आपको क्या ख्याल है? सबसे पहले असि लबन लबन चल गए, लभ रहे हैं, नहर से चल गए वड्डी से, उत्थे वेख्या इतने मूंजियां ने, चरिया ने, असि वो फुलियां ने। आप लाहौर से वापस आ गए? हाँ, लाहौर से वापस आ गए, थाने गए हैं, सारा इधर फूल फलिया कितना। ऐसे में पुलिस की मदद लेना जरूरी हो गया, तभी तो जीशान की फैमिली पहुंची पुलिस के पास। आपको जब इत्तला मिली तो इनिशियली क्या पता चला कि हुआ क्या था? ये लड़का जब जीशान अपने घर से निकला है शाहिद के साथ, तो ये कहां कहां गए और क्या क्या हुआ? हमारे पास डे वन से सिर्फ एक यही क्लू था कि कोई शाहिद नाम का बंदा जो है ना उसके साथ, जो अपने आप को रजाकार शो करता है। तो रजाकार जी, था पुलिस का? जी नहीं, वो रजाकार नहीं था। तो हमने नहीं, रजाकार तो नहीं था। वर्दी पहनी हुई थी और असलहा लगाया हुआ था? असलहा बिल्कुल जो है ना वो साबित हुआ है उसके पास था, लेकिन वो कोई प्रॉपर रजिस्टर्ड रजाकार नहीं था। निशान के वर्सा थे वो हमारे पास आने से पहले, क्योंकि वो शाहद को जानते थे पर्सनली, उसके घर चले गए थे। शाहद उनको वहाँ पर मिला भी है जो 15 की सुबह को, तो शाहद ने कहा जी मुझे तो इलम नहीं है, मैं शाम को ज़रूर आया हूँ मिलने के लिए जीशान से, उसके बाद मेरा तो उससे रابطہ ही कोई नहीं है, और वो वहाँ से गायब हो गया। जी हाँ, पुलिस के पास आने से पहले जीशान की माँ शाहिद के घर पहुँच चुकी थी, तभी तो शाहिद अलर्ट हो गया था। मैं कहा मेरा बेटा घर नहीं पहुँचा, तेरे नाल है, तू साढ़े दरवाजे अगों आवाज मार के लैके आया, मेरा बेटा तेरे कोल है। कहता नहीं मेरे नाल नहीं है, उतों वो बस किस गया। आप कह रही हैं कि आप शाहिद को वैसे नहीं जानती थी? हाँ जी। उसके घर तक कैसे पहुंची? रक्षे वाले ने पूछ के, रक्षे वाले ने पूछा, मैं भिखी अड्डे ते जाके, ऐस नां दा कोई बंदा है
ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਹੈ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੀਬੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਰਕਸ਼ਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੱਸਿਆ। ਸ਼ਾਹਿਦ ਜ਼ੀਸ਼ਾਨ ਕੀ ਮਾਂ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਫ਼ ਮੁਕਰ ਗਿਆ ਔਰ ਕੁਛ ਨਾ ਜਾਣਨੇ ਕਾ ਡਰਾਮਾ ਰਚਾਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਰਿੰਦੇ ਕੋ ਸਭ ਖਬਰ ਥੀ ਕਿ ਜ਼ੀਸ਼ਾਨ ਕਹਾਂ ਥਾ। ਅਰਸਲਾਨ, ਅਦਨਾਨ, ਜ਼ੀਸ਼ਾਨ ਔਰ ਚੌਥੇ ਤੁਮ ਸ਼ਾਹਿਦ ਜੀ ਕਹਾਂ ਗਏ? ਫਿਰ ਹਮ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਡੇਰਾ ਥਾ, ਉਹ ਉੱਧਰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਉੱਧਰ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਗੁਜਰ ਅਸ਼ਰਫ ਕੇ, ਹਾਂ ਅਸ਼ਰਫ ਗੁਜਰ ਕੇ ਡੇਰੇ ਪੇ ਗਿਆ। جی ہاں، مبینہ طور پر ذیشان، شاہد اور دو اور دوست اس رات اشرف گجر نامی ایک شخص کے ڈیرے پر اکٹھے ہوئے، ایک ایسا ڈیرا جو آبادی سے تھوڑے فاصلے پر ایک محفوظ جگہ پر تھا۔ اس وقت میں اس جگہ پہنچا ہوں جہاں پر یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ میں اس طرف دیکھوں تو مجھے سامنے اشرف گجر کا ڈیرا نظر آ رہا ہے، جہاں میں مبینہ طور پر اس رات یا تو وہ دونوں اکیلے آئے تھے یا چار افراد اور ایک لڑکی کے ساتھ وہاں پر پہنچے تھے۔ میرے ساتھ عزیر شاہد موجود ہیں جو کہ ہمارے کورسپونڈنٹ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مجھے بتائیے گا کہ جب یہ معاملہ میڈیا میں رپورٹ ہوا تو کیا کیا باتیں سامنے آئی تھیں؟ سب سے پہلے 24 نیوز نے ذیشان کے اغوا ہونے کا جو ہے وہ نیوز بریک کی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو خاندان کے تاثرات تھے، اور 24 نیوز جو ہے وہ اس متاثرہ خاندان کی ذیشان مقتول ذیشان کے والدین کی آواز بنا، اور اس کے بعد پوری انتظامیہ، پوری پولیس حرکت میں آئی۔ جی ہاں، 24 نیوز نے ورثا کی آواز بلند کی تو تفتیش کا عمل مزید تیز ہوا اور الجھا ہوا یہ کیس سلجھتا دکھائی دیا۔ اس رات ڈیرے پر کیا ہوا؟ کیا کوئی لڑکی ذیشان کی موت کی وجہ بنی؟ ادھر گئے ہم، ادھر بیٹھے رہے کافی دیر، بوتل شوتل پیتے رہے، تو وہ دنان لڑکا نا جو وہ لڑکی لے کے آ گیا ادھر سے، تو یہ جو لڑکا مرنے والا اس نے بولا کہ بھائی تم یہ کیوں لے کے آئے ہو؟ تو اس نے بولا کہ یہ ہماری مرضی ہے، ہم لے کے آئے ہیں۔ ڈیرے پر رات کے وقت جو گھناؤنا کھیل کھیلا گیا، اس کے بعد جو کچھ ہوا، تمام حقائق جاننے ٹیم انکشاف بھی پہنچی اشرف گجر کے اس ڈیرے پر۔ اشرف گجر کے ڈیرے پہ موجود ہوں، یہ ویسا ہی ٹپیکل ڈیرا ہے جیسے ہمارے ہاں گاؤں میں ہوتا ہے، یہاں پر بھینسیں وغیرہ بندی ہوئی ہیں۔ اور اس دن جو ملزم نے اپنا بیان دیا، جو ہماری ملزم سے بات ہوئی، اس کا کہنا تھا کہ وہ اور ذیشان، یعنی جو شاہد اور ذیشان یہاں پر پہنچتے ہیں اور وہ اس چرپائی پر بیٹھتے ہیں، اور اس کے بعد جو ان کا ایک اور بیان سامنے آیا ہے کہ اس میں دو لوگ اور بھی موجود تھے، ارسلان اور عدنان، تو وہ بھی یہاں پر تھے اور ان کا یہی ارادہ تھا کہ یہاں پر بیٹھیں گے، کچھ پارٹی کریں گے، کچھ کھانا پینا یہاں پر ڈیرے پہ بیٹھ کے کھائیں گے۔ اور بقول ملزمان کے ایک لڑکی بھی تھی جس کو یہاں پر لے کے آنا تھا اور اس پارٹی کا حصہ بنانا تھا۔ اور جو شاہد نے جو ہمیں جو اپنا بیان دیا، اس میں کہا کہ وہاں پر چارہ کاٹنے والی مشین ہے، اس چارہ کاٹنے والی مشین کے ساتھ وہ کھڑا ہوا بوتل پی رہا تھا ارسلان کے ساتھ، اور اس چارپائی کے اوپر عدنان اور وہ موجود تھے ذیشان، اور یہاں پر ان کے اندر بدمزگی پیدا ہوئی کسی بات پہ، جو مبین طور پر یہ بات تھی کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جو لڑکی آئی ہے وہ اس بات پہ ناخوش ہے کہ یہاں پر اتنے سارے لوگ کیوں موجود ہیں، کیونکہ وہ کسی ایک انسان سے ملنے کے لیے آئی تھی، اس کو اندازہ نہیں تھا کہ یہاں پر بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں۔ یہ وہ بات ہے جو ملزم نے ہمیں بتائی، جس کے بارے میں بھی کوئی حتمی رائے نہیں کہی جا سکتی اس کے بارے میں۔ ڈیرے پر دوران کوریج کئی سوالات سر اٹھا رہے تھے کہ لڑکی لے کر آنے والے دوست کون تھے، کیا شاہد اور ذیشان کے علاوہ واقعی کچھ اور افراد بھی تھے، اور اگر شاہد بے قصور تھا تو پھر فرار کیوں ہوا، کہاں پہنچی پولیس کی تفتیش؟ شاہد غائب تھا اپنے گھر سے، تین نمبرز تھے ہمارے پاس آئے، وہ نمبرز کی سی ڈی آرز لی گئیں، لیکن وہ بھی 15 تک سی ڈی آر تھی اس کی، اس کے بعد وہ بھی نمبر اس کے آف جا رہے تھے، آف کر دیا، روپوش ہو گیا شاہد، روپوش ہو گیا۔ لیکن روپوشی کے دوران وہ ڈیرے کے مالک اشرف گجر کے ساتھ مسلسل رابطے میں تھا، دراصل دونوں اس گھناؤنے جرم کو چھپانے کی تدبیریں کر رہے تھے۔ اس کے بعد میں پھر ادھر سے بھاگ گیا کراچی، وہ اشرف گجر سے میرا رابطہ ہوا، پھر اس نے مجھے بولا، اس نے بولا کہ شاہد تو پیش نہ ہونا، یہ لوگ تجھے مار دیں گے، تو جب تک یہ ڈیڈ باڈی نہیں ملتی آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ ملزمان پولیس کو چکمہ دینے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن دوسری طرف ذیشان کی فیملی کی پریشانی ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھ رہی تھی، بے بسی کے عالم میں انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کریں تو کیا۔ ایڈی سونی طرح میرا بھائی حالت کروں گیا سے، ڈیوٹی کر کے آیا، آ کے روٹی بھی نہیں کھادی، روٹی سارے جی کھان دے، وہ بھکا سی، امی کہ روٹی کھا لا، کہندا امی ایک منٹ میں بندے دی گل سن کے آنا، باہر گیا روٹی ان پانی تا نہیں پیایا، مہمان نوازی وہ صحیح طرح کی ہے، تو وہ جان لگا انہوں نے نال لے گیا، اس دن کا سا بھائی واپس نہیں آیا۔
بھائی واپس نہ آیا لیکن اس کی موٹر بائیک مل گئی، وہی موٹر بائیک جس پر وہ دوست کے ساتھ گلی سے نکلا تھا۔ بائیک آپ کو کہاں سے ملتی ہے؟ ایتھے ساڈے فارم دے سامنے، اوتھے شام 7:30 بجے موٹر سائیکل سانو ملدی ہے، اوتھے لا کوئی کھلوتی ہے۔ جی ہاں، ذیشان کی موٹر سائیکل مل جانے کے بعد خطرہ اور بڑھ گیا۔ تبھی تو موٹر سائیکل کے قریب کھیتوں میں بھی تلاش کی گئی ذیشان کی، کہ کہیں کسی نے اسے زخمی کر کے یا خدا نہ خواستہ مار کر کہیں پھینک نہ دیا ہو، لیکن تلاش کے باوجود بھی کوئی پیش رفت نہ ہوئی۔ اسی ہسپتال گئے ہیں، اسی اتوں تلا کے تھلے تکر سب منزلیں پھولیاں، ایس نا دا کوئی بندہ ہوئے، انہوں نے کہا ایس نا دا کوئی بندہ نہیں تھے۔ ذیشان وہاں ہوتا تو کسی کو خبر ملتی، وہ تو ایسی مصیبت سے دوچار ہوا کہ اس کی لاش کو 3 قبروں میں دفنایا گیا۔ قتل کرنے سے لاش کو مختلف جگہوں پر منتقل کرنے تک ایسی ایسی ہولناک سچائیاں سامنے آئیں کہ دل دہل گئے۔ 14 کی رات کو جس بندے کے ساتھ اس کا رابطہ رہا، تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہم نے اس کا آئی ڈی کارڈ وغیرہ لے کے اس پہ کام کر کے دیکھا تو وہ یہی لوکل بندہ تھا، اشرف نام کا۔ اشرف گجر جی ہاں، وہی اشرف گجر جس کے ڈیرے پر ہوئی یہ ساری خوفناک خونی واردات۔ جب لا کے اس کو انٹیروگیٹ کیا گیا، پہلے تو وہ آئیں بائیں شائیں کرتا رہا، لیکن تھوڑی سی انویسٹیگیشن کے بعد، انٹیروگیشن کے بعد اس نے بتایا کہ میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ذیشان کا مرڈر کر دیا گیا ہے، وجہ مجھے معلوم نہیں، لیکن یہ بھی میں بتا سکتا ہوں کہ اس کی ڈیڈ باڈی جو ہے نا وہ کدھر ہے۔ ڈیرے پر کیا کیا کاروائیاں ہوئیں، یہ سب جاننے کے لیے جہاں اشرف گجر کی زبان سے سچ اگلوایا گیا، وہیں شاہد کو بھی دھر لیا گیا۔ پولیس نے گرفتار کیا جو یہاں کا ڈیرے والا بندہ تھا اشرف گجر، اس کو گرفتار کیا اور اس کی نشاندہی پر ہی جو ہے وہ یہاں ڈیڈ باڈی جو ہے ریکور کی گئی، اور اس کے بعد پولیس نے اور ڈی پی شہو پورا نے ایک ٹیم تشکیل دی جس نے کراچی سے جا کے یہ شاہد جو ہے اس کو گرفتار کیا۔ کہاں تھا ذیشان اور کیا ہوا تھا ڈیرے پر اس رات، ذرا غور سے سنیے ملزم شاہد کی بات۔ میں اور سلان بوتل پی رہے تھے وہاں پہ سائڈ پہ ہو کے، انہیں آپس میں جھگڑا ہوا، اس نے کئی ٹھائی اس کو ماری، ہم جب تک ہم پہنچے وہ نیچے منجی پہ گر گیا، تڑپنے لگ گیا، یہ لوگ بھاگ گیا، میں وہاں پہ کھڑا رہا تو میں نے اس کو پانی سانی پلایا لیکن وہ اس کو ہوش میں نہیں آیا تھا۔ بات لڑائی سے قتل تک کیسے پہنچی، ڈیرے پر جمی محفل میں خون کا رنگ کیسے شامل ہوا، آئیے یہ معمہ حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان بدمزگی پیدا ہوئی ہے، اور جو زمین کھودنے والا اوزار ہوتا ہے کئی، اس کے وار کیے عدنان نے اس کے ذیشان کے اوپر، اور یہ بیان ہے ملزم شاہد کا، اور اس دوران شاہد وہاں پر ارسلان کے ساتھ موجود تھا، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ لڑکی اگر یہاں پر کوئی موجود تھی، وہ اور ارسلان عدنان یہاں سے چلے جاتے ہیں، اور ذیشان وہاں سے آتا ہے اور اپنے دوست کو زخمی حالت میں پڑے ہوئے یہاں پر دیکھتا ہے۔ یہاں تک کہانی اس کی قابل قبول نظر آتی ہے کہ انسان یقین کر لیتا ہے کہ واقعی ایسا ہو سکتا ہے، لیکن آگے کی جو میں کہانی سنانے لگا ہوں وہ بالکل ہی انبیلیویبل ہے، اس میں یقین کرنے کو کی صورت نہ تو پولیس تیار ہے نہ ہی ہم تیار ہیں۔ ہوتا پھر یہ کہ یہاں پر ذیشان جو ہے وہ زخمی حالت میں پڑا ہے، شاید آ کے اس کو پانی پلاتا ہے، اور یہ نہیں کہ اپنے زخمی دوست کو لے کے ہسپتال جائے، وہ یہاں پر اس کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے اور اس کو زخمی حالت میں تڑپتا دیکھتا رہتا ہے، حتیٰ کہ کیونکہ وقوع ہوتا ہے رات کے 10 بجے تقریباً، اور 4 بجے تک وہ اس کے ساتھ یہاں موجود رہتا ہے، لیکن اس کو کسی قسم کی طبی امداد نہیں پہنچاتا۔ جبکہ یہاں پہ ساتھ ہی اگر آپ اس وقت دیکھیں قبرستان ہے، قبرستان کی تو مین روڈ ہے اس طرف، یعنی آپ طبی امداد تک پہنچا جا سکتا ہے، شیخو پورہ یہاں سے ہارڈلی 10-15 منٹ کی ڈرائیو پر ہے، اور اگر آپ اس کی جان بچانا چاہتے تو وہ ذیشان کی جان بچا سکتا تھا، لیکن وہ یہاں موجود رہا، اور یہی چیز سب سے زیادہ اس کو مشکوک بناتی ہے۔ اور اس کے بعد نہ صرف اس نے اپنے دوست کو، جس کو کہتا ہے کہ بہت قریبی دوست تھا، نہ صرف اس کو طبی امداد وہاں جانے کی کوشش کی بلکہ اس کو یہاں پر دفن بھی کر دیا، اور میں بتاتا ہوں کہ یہاں پر اس نے، یہ آپ کو ساتھ ہی کھیت نظر آ رہے ہوں گے، یہاں پر مبینہ طور پر اس نے زمین کھود کر اپنے دوست ذیشان کو اس طرح دبا دیا۔ معاملہ صرف یہیں پر ختم نہیں ہوا، یہ کہانی جوں جوں آگے بڑھتی ہے انتہائی خوفناک اور پراسرار رخ اختیار کرتی جاتی ہے، کیسے ذیشان کی لاش کو مختلف قبروں میں منتقل کیا جاتا رہا، یہ سب دکھائیں گے آپ کو، لیکن پہلے ذرا شاہد کی بے حسی ملاحظہ کیجئے کہ جسے دوست مانتا تھا اس کی لاش کو چھپا کر گھر آ کر آرام سے سو گیا۔ اس کے سامنے ایک دوست اس کا جو کہ بہت پرانا دوست ہے،
उसको किसी ने ऐसे मारा है, उसके सर पे क्या चीज़ मारी थी? कई मारी थी जो कि ज़मीन खोदने के लिए इस्तेमाल होती है, और इसने उसको पानी वानी पिलाने की कोशिश की, उसे पानी नहीं पिया, ये अपनी खाला के घर आके सो गया, यही कह रहे हो ना? हाँ जी। फिर सोच लो, यही कह रहे हो? जी। मेरा अगर एक दोस्त, मेरा एक दोस्त क्या, मेरा एक जानने वाला भी हो, जानने वाला ना एक इंसान ही हो, अगर वो जख्मी हालत में, मैं सबसे पहले एम्बुलेंस बुलाऊंगा, उसको अस्पताल लेकर जाऊंगा, उसको जमीन के अंदर नहीं दफनाऊंगा। जी। तुम्हारे सामने तुम्हारे एक दोस्त को मारा है, दो लड़कों ने, अरसलान ने, वो भी तुम्हारे दोस्त हैं? नहीं, उससे अचानक मुलाकात हुई थी। अचानक मुलाकात हुई? पहली बार मुलाकात हुई थी? नहीं, दो दफा। और एक तुम्हारा सालों पुराना दोस्त है, उसको एक नए जानने वाले तुम्हारे मार रहे हैं। जी। ठीक है, तो तुम पहले अपने दोस्त को बचाओ, अगर वो मार के चले भी गए, अगर तुम्हारी बात का मैं यकीन करूं कि उनकी किसी बात पे लड़ाई हो गई या झड़प होगी किसी बात पे, तो तुम सबसे पहले अपने दोस्त को बचाओ, ना कि उसके लिए गढ़ा खोद के जमीन में दबा दो। सर मैं डर गया, मैं क्या करूं? तुम तो खुद पुलिस में हो, डेरे वाले को अगर पता चला। डेरे वाले को क्या पता चला, तुम तो खुद रजाकार हो पुलिस से, तुम्हें किन बातों का नहीं पता? तुम तो सबसे पहले खुद 15 पे कॉल करोगे, यहाँ पर ये हो गया, और उन लड़कों को पकड़ो जो मार के गए। सर वो गलती हुई मुझसे। दोस्त के रूप में छुपा भेड़िया है ये। जीशान के गायब होने के 8 दिनों बाद जो इंकशाफ हुआ, उसके बाद वुरसा के लिए जिंदगी और मौत में फर्क करना मुश्किल हो गया। 8 दिन साड़ी दौड़ लगी रही है, असी नहीं पकाइया, असी नहीं खादी, असी कोई थान नहीं छड़िया वेखण वास्ते कि साडा बेटा सानू किते लब्बे। सानू 8 दिन बाद इस गुजर ने लाश पटाई, गुजर ने सानू लाश दी, ते ओदी शक्ल नहीं सी वेखण वाली। जो सुलूक लाश के साथ किया गया, आप जानकर कांप उठेंगे। एक बार शाहिद ने गढ़ा खोदकर लाश को छुपाया, तो फिर मुबैना तौर पर कैसे अशरफ गुज्जर जुर्म छुपाने के लिए कब्रें तब्दील करता रहा, आखिरकार पुलिस ने कैसे एक पुरानी कब्र से लाश ढूंढ निकाली, मस्कशुदा लाश की बूढ़े बाप ने कैसे की शनाख्त, ये सारे दर्दनाक इंकशाफात कुछ देर के बाद। लेकिन इसके साथ साथ कत्ल की वजह जानना भी जरूरी है। जो कुछ मुलजिम ने बताया, क्या सिर्फ वही सच्चाई है या दरपर्दा है और भी बहुत सारी वजूहात? शाहिद और जीशान के बीच क्या कोई झगड़ा था? क्या कोई राज छुपा है वुरसा के सीनों में? पैसे का लेन देन था? कोई पैसे का लेन देन नहीं, बस यह गल का सानू 2 महीने हो चले, यह हूँ इतवार वा दिन खत्म जे 5 तरीक न 40वें का खत्म हो गया, सानू इस स्थिति तक नहीं हाले पता लगा कि साडे बच्चे नू किस वजह तो मारिया गया। मैन आपको क्या लगता है? भाई कोई कुड़िया चक्कर नहीं है, शायद सारे कभी कहना कुड़िया के चक्कर इदा हो, कभी कुछ सारा झूठ मारता पिया, वो वाल फरेब लिया पिया भी मैं बच जावा। लाश पटाउन वाला गुजर, घरों खड़न वाला शाहद। लाश को कैसे छुपाया गया, कैसे एक नहीं 2 नहीं 3 कब्रों में दफन किया गया जीशान को, बाप ने कैसे की मस्कशुदा लाश की शनाख्त, ये सारे दिल दहला देने वाले इंकशाफात बस थोड़ी देर के बाद। आइए पहले पुलिस से जानते हैं कि पुलिस के नजदीक क्या है इस बहीमाना कत्ल की असल वजह। इसने यही बताया अभी कि हम वहाँ पे कुछ दोस्त गए हैं, अदनान नाम का एक लड़का आया अपने साथ एक लड़की को लेके जो उसकी दोस्त थी, उस लड़की के वहाँ आने की वजह से झगड़ा हो गया, जीशान ने मना किया है, तो इस वजह से इनका जो वहाँ पे झगड़ा हुआ है, और इदनान नाम के ही लड़के ने इसको जो है ना वो कई कबार करके, क्योंकि झगड़ा इस बात पे हुआ, वो लड़की वहाँ पर आई अपने किसी दोस्त से मिलने के लिए, उसने वहाँ पर देखा कि यहाँ पर तो ज़्यादा लड़के हैं और मुझे जिस काम के लिए बुलाया गया है वो काम ठीक नहीं है। बिल्कुल। तो इन लोगों ने, अदनान वगैरह ने जाने का कहा, इसको वहाँ से जाने का कहा, क्योंकि उनका वो जो लड़की इतराज़ कर रही थी जाने का कहा, ये इनका प्रोग्राम ऑलरेडी वहाँ पे था। हाँ। बना हुआ खाना खाने का, बैठने का, गपशप लगाने का, तो इस वजह से ये जाने को तैयार नहीं थे वहाँ से। तो यानी डेरा एक था वहाँ पर लोग पार्टी, ये वो मौकफ है जो हमें मुलजम बना। हमारी नज़र में इसकी 2-3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। हमारे मुखबर की वजह से इत्तला मिली जरिए कि वहाँ पे फायर के ज़रिए उसको मर्डर किया गया है, जो चीज़ गोली मारी गई, जो चीज़ इसको मशकूक करती है सारे वकूए को, इसके वर्जन को। जब पोस्टमार्टम हुआ तन हमें पता चला कि ये तो जो है ना सर पे चोट लगी है, ऐसे किसी चीज़ से मारा गया है, फायर तो लगा ही नहीं इसको। यानी इससे जो पुलिस को पहली बार पहुंचाई उसने ये पहुंचाया कि फायर करके मारा है। लेकिन ये चीज़ इसकी जो है ना वो झूठी हो गई, और ये जो वर्जन था ये हमारे लिए जो है ना वो बिल्कुल मशकूक हो गया। हम इसकी बात पे अभी भी एतबार करने को तैयार नहीं।
पुलिस तमाम तर इम्कानात पर गौर कर रही है। देखते हैं पुलिस की तफ्तीश क्या रंग लाती है। लेकिन प्रोग्राम का ये अगला हिस्सा रोंगटे खड़े कर देने वाला है। कत्ल की वजह जो भी हो, लेकिन कत्ल के बाद जो जुल्म ढाया गया और जैसे लाश को छुपाने के लिए खबरें तब्दील होती रहीं और फिर जैसे मस्तशुदा हालत में लाश मिली, जिसने देखा कांप कर रह गया। शाहिद ने अशरफ गुज्जर को पकड़वाया तो एक हौलनाक सच सामने आया, एक ऐसा सच आकाश जो सच ना होता। अशरफ गुज्जर के जब वो वापस आता है अगली सुबह यहाँ पर पहुँचते हैं अपने डेरे पे, तो उसे यहाँ पर खून बिखरा हुआ नज़र आता है, जिसको उसने मिट्टी से छुपाने की कोशिश की, जिसका नाम शाहिद ने, और उसके अलावा इस जो ये चारपाई है इसको धोया भी उसने, जिसका उसने खुद इकरार भी किया कि उसने सारे सबूत मिटाने की कोशिश की है, जिसकी वजह से वो मुलजिम जो है डिक्लेयर होता है या उसके बारे में शकूक पैदा होते हैं कि वही मरकजी मुलजिम है, और यहाँ पर बहरहाल जो है उसको दफना देता है, और जिसका बाद में अंदाज़ा अशरफ गुज्जर को होता है, और अशरफ गुज्जर बाद में उसके खाला खालू के घर जाता है और ये कहता है कि यहाँ पर आपका आपके जो भांजा है वो कत्ल करके आ गया है, और उसके खाला खालू जो है इस बात को दबा देते हैं, क्योंकि जब अगले दिन उसकी वालदा पहुँचती है दिशान की वहाँ पर ये बात लेकर कि इस तरह का सारा मामला हुआ है, तो वो किसी भी किस्म की बात को मानने से इनकार कर देते हैं। बहरहाल ये डेरा था, यहाँ पर ये सब कुछ हुआ, और एक बहुत अहम बात है क्योंकि अभी तक पुलिस की जो तफ्तीश है उसमें ये बात सामने नहीं आई क्लियरली कि वाकई उस रात अशरफ गुज्जर यहाँ पर मौजूद था या नहीं। तो मैं जब अपने कॉरेस्पॉन्डेंट हैं उनसे पूछूँगा, उज़ैर मुझे बात बताइएगा कि उस रात क्या वो अपनी वहाँ पर गया हुआ था, फैक्ट्री गया था, या वो उसने छुट्टी की थी। 24 न्यूज़ ने उसी फैक्ट्री से पता किया उस रात अशरफ गुज्जर अपनी फैक्ट्री में मौजूद नहीं था, उसकी अटेंडेंस नहीं थी, बल्कि संडे भी था और शायद वो अपने जो है वीकली रेस्ट था। अशरफ गुज्जर कहाँ था? उसने डेरा तो दे दिया अपने दोस्तों को, ये बात तो शाहिद भी मान रहा है और पुलिस की तफ्तीश में भी ये बात सामने आई कि उसने ये डेरा अपने दोस्तों को पार्टी करने के लिए या किसी किस्म की दावत करने के लिए तन्हाई का फ़ायदा उठाने के लिए अपना डेरा तो दिया था उसने। अशरफ गुज्जर की फैमिली के बकौल वो अपने घर में मौजूद था, लेकिन पुलिस भी और बाकी जो वकील हैं वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि अशरफ गुज्जर के इलम में था कि यहाँ पर कौन कौन मौजूद है, और 24 न्यूज़ की इन्वेस्टिगेशन टीम भी आज यहाँ पर मौजूद है, और मैं भी समझता हूँ कि वो भी इस मौके पर मौजूद था और वो भी इस वकूए में शामिल था। वकूए में शामिल था क्योंकि होता ये कि जब उसने एक दफ़ा लाश को दफना दिया, दिशान की लाश को जब वो दफना देता है शाहिद, उसके बाद वो लाश मिलती है वो कब्र जहाँ पर उसे दफनाया होता है, यहाँ पर वो उसका पता चलता है अशरफ गुज्जर को। अशरफ गुज्जर वहाँ से डेड बॉडी को निकालता है रात के वक्त और फिर यहाँ पर करीबी कब्रिस्तान में ले जाता है। जी हाँ, करीबी कब्रिस्तान में ले जाकर अशरफ गुज्जर जीशान की लाश को एक पुरानी कब्र में दफना देता है। पुलिस के सामने अशरफ गुज्जर के इस इंकशाफ की खबर वर्षा तक पहुंची तो माँ बाप और बहन भाई तड़प उठे। आपको कब पता चला कि आपका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, ये कब कंफर्म हुआ और किसने बताया? 8 दिनों बाद। हाँ जी, इतवार दा गया, इतवार बाद दिन पुलिस वाले आए, उन्होंने कहा भी उस दिन दौड़ा लाउंदे आ, असीं सौं के नहीं वेख्या कितने बच्चा ताड़ा हुंदा जींदा, सानू फोन आउंदा किसी पासे, असीं उधर नूं जांदे, उन्हां ने कहा भी नाल लै गए इहदे अब्बू नूं कब्रस्तान वाले पासे गड्डी पा ली। बाप जब पुलिस के हमराह कब्रिस्तान में पहुंचा तो एक पुरानी कब्र के करीब जाकर पुलिस ने गाड़ी रोक दी। पुरानी कब्र गढ़े में बदल चुकी थी। वो तीसरी दफ़ा लाश को लेकर आया और उसने एग्जैक्टली इस जगह पर जहाँ पर ये आपको कोल्ड ड्रिंक का वो नज़र आ रहा है, यहाँ पर जो थी वो लाश पड़ी हुई थी। इस वक्त मेरे साथ वाले साहब मौजूद हैं दिशान के, रियाज साहब मुझे बताइएगा कि आप जब पहुँचे यहाँ पर तो ये इस जगह की कंडीशन क्या थी? इतने उत्ते मिट्टी पई सी, उत्ते बोझे सामने उत्ते पए सन, ऊपर पड़ा हुआ था मिट्टी थी, मिट्टी थी और फिर पता नहीं लगता भी लाश आन के खोतर के तो आसा कड्डी दिखाई है। यह है वो मनाजिर जब इस मिट्टी को हटाकर लाश निकालने की कोशिश की जा रही है।
जिस वक्त लाश निकाली जा रही थी, बेचारा बूढ़ा बाप पास खड़े ये सारा मंजर देख रहा था। जरा सोचिए तो सही, कितने बड़े सदमे से दोचार हुआ होगा वो बाप। क्या बीत रही होगी इस बाप पर, जब इसके सामने एक कब्र खोदी जा रही थी और कहा जा रहा था कि उसने पहचान करनी है कि इस कब्र के अंदर जो लाश है क्या वो उसी के बेटे की तो नहीं। दफन कर दिता है वो जो पुटे पछाण ही नहीं लाश नहीं पछाणी जाती सी। फिर कपड़िया तो पछाणिया, घर फोन कर पता किया कपड़े केड़े पाए ने, कहते चिट्टे कपड़े पाए ने, वो चिट्टे कपड़े। जी हाँ, सफेद कपड़ों की मदद से पहचान हो गई इस बूढ़े बाप को कि पुरानी कब्र से निकाली गई ये लाश किसी और की नहीं, उसके अपने लखते जिगर की है, उसके अपने लाल की है। आपने बहुत ही अफसोसनाक फुटेज मुलाहिजा की जिसमें यहाँ पर लोग मौजूद थे, पुलिस मौजूद थी उसकी, और उनकी मौजूदगी में यहाँ से निशान को जो है कब्र कुशाई की गई या जिस गढ़े की भी कुशाई की गई जो यहाँ पर बनाया गया था। और हाजी लियास साहब मौजूद हैं जो कि इस फुटेज में नज़र भी आ रहे हैं, जिन्होंने सबसे पहले इस लाश को यहाँ से निकाला निशान की। हाजी साहब, क्या किस कंडीशन में थी लाश? लाश तो काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, पर जब हमने ये ऊपर से ये घास आई और ये मिट्टी वगैरह उतार रही, हमारे पास पुलिस खड़ी थी सारी, उसके ऊपर मेरे साथ जिशान मुहर्रर भी था, हम दोनों ने वो पहले ऊपर से उतारते रहे, फिर मिट्टी हटाते रहे, मिट्टी हटाते रहे, मिट्टी हटा के जब उसके कपड़े नज़र आए हमें, उसके बाद फिर हाथों से हम मिट्टी हटाना शुरू करे, पहले कसी से लगे हुए थे, फिर हाथों से करते रहे। और ये कितना ऊपर तक भरा हुआ था और ये कितनी गहरी थी? ज्यादा नहीं था, ज्यादा ज्यादा मेरे ख्याल कोई 5-6 इंच मिट्टी थी, इससे ज्यादा नहीं। अच्छा, 5-6 फीट इंच मिट्टी थी, उसके ऊपर ये घास फूस था, घास से पता नहीं ना चल रहा था की ये यहाँ कोई इंसान दफन हो सकता। अच्छा, मुझे बताएगा की वो एक जवान जहान लड़का था, यंग था, 22 साल का लड़का, उसको क्या ये अकेले के इंसान का काम हो सकता है की उसको उठा के एक जगह से दूसरी जगह पर लेके आना या उसको दफना देना? ज़्यादा नहीं, मैं तो नहीं समझता कि वो उस डेरे से यहाँ तक अकेला बंदा लेके आ सकता है और वो यहाँ आके रात के अंधेरे में इस कब्रिस्तान में लाश को दफन करे और वो ऊपर मिट्टी डाल के चला जाए। मेरे हमारी समझ में तो नहीं आ रहा कि कम से कम ये देखो ना कितना फासला बनता है उस डेरे से यहाँ तक, करीबन 1 किलोमीटर का फासला है। तो ये तो मुमकिन नहीं कि एक बंदा अकेला ये कर सकता हो, लेकिन जितनी पुलिस को इस मामले पे भी तफ्तीश का दायरा बढ़ाना चाहिए कि क्या और लोग तो इन्वॉल्व नहीं थे, और लोग तो नहीं थे उसको बार बार दफनाने में और फिर वहाँ से निकाल के उसकी जगह तब्दील करने में उसी कब्र की। तो होना चाहिए था जी, पुलिस को ये कम से कम इस मामले में तहकीक करनी चाहिए थी कि मुमकिन नहीं है कि एक बंदा अकेला लाश को कैसे लेके आ सकता है इतनी दूर। लेकिन एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाली है जिससे ये सारी बात झूठी साबित होती है, ये शाहिद की कि यहाँ पर अरसलान और वो मौजूद थे, अदनान नामी दो अफराद और एक लड़की मौजूद थी, क्योंकि जिन्होंने CDR निकाली उसमें किसी तौर ये सामने बात नहीं आई कि वहाँ पर कोई और भी इंसान मौजूद था जिसके पास मोबाइल था, क्योंकि उसने अपनी बातों में ये भी बताया था शाहिद ने कि वहाँ पर फ़ोन भी इस्तेमाल किया गया था, उसने किसी को कॉल भी की थी, अगर कॉल की गई तो जारी बात है वो CDR में आया था, किसी भी जो यहाँ पर टावर्स लगे हुए हैं उससे कोई ना कोई इसकी लोकेशन वगैरह ज़रूर निकलती, लेकिन इस जो जगह पर अगर किसी का मोबाइल पाया गया है, किसी की CDR में मौजूदगी की इतला मिलती है, वो सिर्फ और सिर्फ शहजाद ही है। इस केस में इन तमाम पहलुओं की तहकीक जरूरी है क्योंकि जुल्म की इंतहा की गई, जो कयामत इस खानदान पर टूटी वो बयान से बाहर है। लाश को यहाँ से निकालने के बाद पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुँचाया गया तो जिशान की माँ, बहन, भाई और तमाम रिश्तेदार रोते तड़पते पहुँच गए अस्पताल। ये हैं वो रुला देने वाले मनाजिर जब मजलूम खानदान का जब्त जवाब दे गया। मातम बरपा है, आंखें छलक रही हैं, सीने दर्द से फट रहे हैं। नौजवान जिशान पर किए गए जुल्म की इस दास्तान ने पत्थर दिलों को भी पिघला कर रख दिया। उठो जाके उन्हें लाश जड़ी है उठो पटाई है,
ਤੇ ਲਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਹਲੀ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕਈਆਂ ਮਾਰ ਛੱਡੀਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਇੰਝ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਆਲੂ ਗਲਿਆ ਪਿਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਨਵਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ ਸਾਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿਰ 'ਤੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਾਹਰ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਹਸ਼ਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਆਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਲਵੇੜ ਲਿਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲੋਂ ਤੂੰ ਸਾਂਭਦੀਆਂ ਸੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲੋਂ ਤੂੰ ਸਾਂਭਦੀਆਂ ਸੀ। یہ ہے وہ مناظر جب لاش کو گاؤں لایا گیا تو اس گھر میں افسوس کرنے والوں کا تانتا بند گیا۔ جہاں ذیشان کے خاندان والے دھاڑے مار کر رو رہے تھے، وہیں دلاسے دینے والوں کی آنکھوں سے بھی آنسو چھلک رہے تھے، اور پھر انہی روتی آنکھوں کے ساتھ ذیشان کو قبر میں اتارا گیا۔ یہ ہے وہ مناظر جب ذیشان کو اسی مقامی قبرستان میں سپرد خاک کیا جا رہا ہے جس کی ایک پرانی قبر میں پہلے ذیشان کی لاش کو چھپایا گیا تھا۔ ٹیم انکشاف اس کیس کی کوریج کے دوران اس قبر پر بھی گئی۔ مقتول کا بوڑھا باپ، رشتے دار اور پولیس بھی ہمارے ہمراہ تھی۔ ذیشان جو ہے اس کو ایک نہیں، دو نہیں، تین جگہ دفنایا گیا، پھر فائنلی یہ اس کی قبر ہے جہاں پر اسے باقاعدہ نماز جنازہ کے بعد اب دفن کیا گیا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس ینگ لڑکے کے اوپر اس رات کیا بیتی، کیا کچھ ہوا اس کے ساتھ، کیونکہ بتانے کو کوئی بھی راضی نہیں، اور جو لوگ موجود ہیں وہ ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں سارے معاملے کو دبانے کی۔ لیکن کہنا آپ لوگوں سے یہی ہے کہ احتیاط کریں اپنی زندگیوں میں، نئے دوست بناتے وقت، نئے رشتے بناتے وقت، اور کہ کسی بھی وقت کہیں بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور میری یہی دعا ہے، بلکہ جو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ان سب کی یہی دعا ہوگی کہ یہ جو ریاض صاحب ہیں ان کو ان کی فیملی کو قرار آئے، اور آئندہ کسی بچے کے ساتھ وہ کچھ نہ ہو جو کہ ذیشان کے ساتھ ہوا۔ اسی کے ساتھ ہی مکرم کلیم اور ٹیم انکشاف کو دیجئے اجازت، لیکن دیکھنا نہ بھولیے گا ہمارا اگلا انکشاف۔